140 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी का भाषण जो है उसमें देश के लिए नई दिशा का निर्देश देने की कोशिश की गई है। राष्ट्रपति का अभिभाषण देश को नई दिशा देने के दिशा में बहुत ही उचित कदम है। पहला है समाज का अत्यंत गरीब वर्ग जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं उसकी आर्थिक दशा सुधारने की पूरी कोशिश की गई। दूसरा है महंगाई रोकने के लिए ठोस कदम का उठाना और तीसरा है जनता पार्टी की पैदा की गई स्थितियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर शांति स्थापित करना। चौथा है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। पांचवा है किसानों की हालत सुधारने के लिए योजना बनाना और छठा है नेहरू जी की विदेश नीति का अनुसरण करना। इन छह भागों में राष्ट्रपति के अभिभाषण को बाहर देंगे तो देखेंगे कि इससे अच्छा दिशा निर्देश और दिया ही नहीं जा सकता था। पैरा, मैं पहली बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज समाज का गरीब वर्ग जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं उसकी आर्थिक स्थिति काफी गिरी हुई है। आज आप उस गांव में जाए जहां हरिजन और आदिवासी रहते हैं तो उसकी आर्थिक दशा और उनका रहन सहन देखकर आप यह महसूस करेंगे कि यह तो आदमी के रहने के घर नहीं है बल्कि पशु के रहने का घर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुशल नेतृत्व में 20 सूत्री कार्यक्रम जो चला उसके अंदर हम यह दावा तो नहीं करते कि हमारी सारी की सारी समस्याएं हल हो गई, लेकिन उससे हमारे हरिजन और आदिवासी लोगों के अंदर यह भावना पैदा हुई कि आज की सरकार ही एक सरकार है जो उनकी दशा में सुधार ला सकती है और उनके आर्थिक हालात में परिवर्तन ला सकती है। मैं इस संबंध में कुछ सुझाव भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हरिजन और आदिवासी को कुछ जमीन दी गई थी, परंतु लोक दल तथा अन्य सरकार के जमाने में उनकी यह जमीन जो उनसे छीन ली गई थी उनको फिर से उस पर बसाने की कोशिश की जाए। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि हरिजन को सिर्फ जमीन देना ही काफी नहीं है, उनको जमीन अवश्य दी जाए और इस काम को वह अपना मुख्य काम समझकर करे, लेकिन इसके साथ साथ उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार अपने हाथ में ले और प्रत्येक इलाके में तहसील के स्तर पर एक स्कूल हरिजन बच्चों के पढ़ाने के लिए बनाया जाए। जब तक हरिजन में शिक्षा नहीं आएगी तब तक उसकी आर्थिक ढांचे में सुधार नहीं आ सकता। इन अल्फाजों के मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। पैरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी निवेदन किया था कि देश के नेताओं ने संघर्ष करके और जनता के सहयोग से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमने अपना संविधान बनाया, संविधान बनाने वाली एक कमेटी बनी। यह समय की पुकार थी और कांग्रेस के नेताओं की सूझबूझ थी कि उन्होंने इस देश के महत्व को समझकर महान वकील को मसौदा बनाने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया। श्रीमान, मुझे बहुत ही दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि संविधान 26 जनवरी 1949 को अधूरा और 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू हो गया, लेकिन आज तक इस धारा को लागू नहीं किया गया। संविधान बनाने वालों ने इसको यही नहीं छोड़ दिया, उन्होंने इसे सरकार की मर्जी पर भी नहीं छोड़ा था। मैं मानता हूँ कि कुछ सिद्धांतों को सरकार ना माने तो अदालत के द्वारा भी उन्हें मनवाया नहीं जा सकता। हालांकि मूलभूत अधिकार मनवाया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से राज्य और केंद्र की सरकारों को संविधान के कुछ सिद्धांत एक दिशा देते हैं। जो भी सरकार होगी उसे उस दिशा की तरफ चलना होगा। स्टॉप।
डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।